नमस्कार। अभी हमारे साथ में श्रीमान जीतू सक्सेना जी हैं और जीतू सक्सेना जी को प्रॉब्लम जो हुई है वो है ब्रॉड बेस्ड डिस्क बल्ज L3 और L4 और उसके बाद में है लोअर बैक पेन था इनको और साथ में डिफ्यूज डिस्क बल्ज L4, L5 और L5S1। देखिए ये जो इनको समस्या हुई है वो हुई है इनको जिम के कारण। अब हम एक नई आपको सीरीज जो चलाएंगे डे बाय डे, अब ये डेली जो सीरीज रहेगी कमर दर्द के रोगियों के लिए, कैसे व्यक्ति जिम में जाकर हाइपर एक्टिव होता है और कैसे बिना बेल्ट के या बिना लंगोट के वो जिम करता है, हाइपर एक्टिव होकर वजन उठाता है और जब ज्यादा वजन उठाता है गलत तरीके से झुककर, तो कैसे वह स्लिप डिस्क या डिफ्यूज डिस्क बल्ज या पोस्टीरियर डिस्क बल्ज या सेंट्रल डिस्क बल्ज या ब्रॉड बेस्ड डिस्क बल्ज, ये बहुत सारे जो नाम होते हैं उनका शिकार हो जाता है। भारत में ऐसा देखा जाता है कि भारत में कई लाख लोग आज जो कमर के दर्द से पीड़ित हैं उनमें लगभग 80% लोग जिम के कारण पीड़ित हैं। उनमें से एक हमारे जीतू सक्सेना जी भी हैं, ये आपको बताएंगे कि कैसे ये कम जिम में गए और वो वहां से ये कमर के रोगी बन गए। जीतू जी सर बताइएगा, थोड़ा वेट मारा था, वेट मारा था आपने बिना बेल्ट के? बिना बेल्ट के। कैसे मारा था वो? इसका तो जो प्लेट लगा था, प्लेट लगा था तो अभी दिक्कत आपको महसूस हो रहा था मेरी कमर में? फिर भी मैं दर्द होता रहा, मैं फिर भी करता रहा, फिर चलो हो जाएगा ठीक, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कोई हल नहीं। इसके बाद फिर हमारे घर अस्पताल डिस्क बल्ज। जी तो हम आपको यह जो क्लिप है सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि अगर आप जिम में जाएं, ध्यान से सुनिए, अगर आप जिम में जा रहे हैं और जिम में जाने के बाद में भूल कर भी अगर आपने बेल्ट नहीं पहनी तो सबसे पहला काम आपको बेल्ट पहनने का है। बिना बेल्ट पहने आप जिम में कमर की या थाई की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे और हाइपर एक्टिव नहीं होंगे। देखा होगा कि एक व्यक्ति बहुत तंगड़ा है, बहुत ही बिल्डर बॉडी बिल्डर है, बहुत ही हैवी वेट है, बड़ी उसकी बॉडी थोड़ी तंगड़ी है और आप देखेंगे बोले यार वाह अब तो इसके जैसे ही मुझे 15 दिन में बन जाना है और फिर आप लग जाएंगे हैवी प्रोटीन खाने के लिए, हैवी डिप्स मारने के लिए, हैवी वजन उठाने के लिए, हैवी हैवी चीजें करने के लिए और 15 दिन के बाद आपकी बॉडी तो अच्छी नहीं बनेगी लेकिन आप एक ऐसे भयंकर रोगी किसी न किसी ऐसे रोग के शिकार हो जाएंगे। ज्यादा प्रोटीन खाएंगे और फेक या खराब प्रोटीन खाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी किडनी और लीवर फेल हो जाएगा। और अगर ये चीज ना कर पाए किसी भी तरीके से, सामने वाले को देखकर आपने देखा कि मुझे भी इसकी जैसा बनना है और आपने गलत तरीके से वजन उठाया, तो आप निश्चित तौर पर गर्दन, कमर या पेट, इन तीनों में से एक रोग के शिकार बन जाएंगे और उसके बाद में आप जिम भूल जाएंगे और अपने शरीर को लेकर भागते रहेंगे डॉक्टरों के पास और उसके बाद आप सिर्फ पैसे वेस्ट करते रहेंगे। आज हमने आपको बताया कि कैसे लोग जिम में जाकर अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं और कैसे वह वहां जाकर एक शरीर को उस तरह से स्थापित कर देते हैं कि आने वाले समय में वो जिम के बारे में सोचते नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जिम में जाएंगे तो वजन बड़े प्रॉपर तरीके से उठाना है, बड़े अच्छे गाइडर के गाइडेंस के, जो अच्छा अनुभवी जो व्यक्ति हो, एक्सपर्ट हो, उसके ही अंडर अपने यह जो जिम है उसकी कार्यस्थानी करनी है। नमस्कार, हम आपके ये क्लिप ऐसी आपको बनाते रहेंगे और आपको अवेयरनेस देते रहेंगे। अगर हमारे द्वारा एक व्यक्ति भी बच जाता है, एक व्यक्ति को भी अगर हमारे द्वारा अवेयरनेस आ जाती है और उसको प्रॉब्लम नहीं होती, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नमस्कार।